सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। गाइस आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पासमो प्रॉक्सी वन प्लस कैप्सूल के बारे में, इसके क्या यूज़ होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसको प्रेग्नेंट वुमेंस ले सकती हैं या वो माता इसको ले सकती हैं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। गाइस ये जो स्पासमो प्रॉक्सी वन कैप्सूल है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज दर्द के लिए किया जाता है, फिर वो दर्द चाहे आपके दांत में हो, आपके पेट में हो, हाथ पैर में हो या कहीं भी हो। जब कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है तो डॉक्टर लास्ट में स्पासमो प्रॉक्सी वन प्लस कैप्सूल या उसकी फॉर्म में आने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं और कई सारी चीज़ों की देखरेख में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है गाइस इसकी पूरी जानकारी, इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस दवा को अपने मन मुताबिक लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। इसी के साथ आपको इस दवा की लत लगने की भी संभावना हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बिना किसी देरी के, बिना किसी इंट्रो के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्पासमो प्रॉक्सी वन प्लस कैप्सूल जो है वो कई दवाओं के मिश्रण से बना हुआ है जिसमें डाइसाइक्लोमाइन, पैरासीटामोल और ट्रामाडोल मिला हुआ है। यह मुख्यतः गाइस पेट दर्द के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, जिससे ये पेट में जैसे ही आप इसका सेवन करते हैं ये पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है, जिससे आपका दर्द जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और गाइस कभी कभी मांसपेशियों में अचानक से ऐठन होने लगती है तब भी इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इसमें पैरासीटामोल होता है जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरोटिक होता है, जो बुखार और दर्द का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं गाइस उनको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से दर्द और बुखार की संभावना नहीं रहती। एंड गाइस जो इसमें ट्रामाडोल बना हुआ है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जिसका गाइस मुख्य काम ये होता है ये दर्द के सिग्नल को माइंड में जाने से रोकता है, मतलब कि माइंड में ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता, जिसकी वजह से गाइस ये कंफर्म हो जाता है कि आपको दर्द नहीं होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको अपने मन मुताबिक कभी भी ना लें। ये एक रेयर सिचुएशन में दिया जाता है जिसकी एक निर्धारित डोज होती है। कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्ट के इस कैप्सूल को ना लें, इससे आपको इसकी लत लग सकती है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा नशा होता है और ये कई बार देखा गया है कि कुछ लोग शराब के सेवन के साथ में या ऐसे ही 10-10 ले जाकर खा लेते हैं। तो गाइस इन चीज़ों से दूर रहें, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिससे आपको कई सारी बीमारियां यहाँ तक कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और यही दवा नहीं गाइस, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो गाइस चलिए अगर हम जानते हैं कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, तो गाइस इसमें ट्रामाडोल है और भी डाइसाइक्लोमाइन भी है, पैरासीटामोल भी है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए गाइस ये बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन कोई रेयर सिचुएशन में अगर आपके डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी के साथ गाइस अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं की, तो गाइस उनको भी ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये उनके दूध में घुल के बच्चे तक पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। सो गाइस अगर हम इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानें, तो इसमें कुछ नॉर्मली आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मिचली आना, उल्टी आना, जी घबराहट में सूखापन होना, नींद आना, कमजोरी आना, घबराहट, धुंधली नज़र एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए। वैसे तो ये साइड इफेक्ट्स आपके एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर ये साइड इफेक्ट्स हो गए हैं और आपको ये ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। गाइस अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो ये एक स्ट्रिप 8 कैप्सूल की आती है, जिसकी प्राइस 67 रुपीज़ होती है, और ये गाइस आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही किसी भी मेडिकल पर मिल जाएगी। सो गाइस ये थी स्पासमो प्रॉक्सी वन प्लस कैप्सूल की पूरी जानकारी। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, लेकिन अगर आपके कुछ और जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव यू इंडिया।